Hello everyone, welcome to the channel of Angstrom Education. So the topic that we are going to study today is Newton's Law of Motion. और इस टॉपिक में हम लोग दो चीज पढ़ने जा रहे हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चंस को यूजिंग फ्री बॉडी डायग्राम। सो पहले इस टॉपिक को पढ़ने के पहले, जैसे कि मैंने टॉपिक बोले न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो लॉज क्या होते हैं न्यूटन्स के वो देखते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट लॉ से, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से। तो जो पहला लॉ है, मान लीजिए एक ब्लॉक है कुछ रखा हुआ है सरफेस पे, तो ये ब्लॉक तब तक नहीं मूव करेगा जब तक मैं इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा देता हूँ। इट मीन्स द ब्लॉक विल नॉट मूव अंटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। सो जो फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है इनर्शिया पे, फर्स्ट लॉ बेस्ड है इनर्शिया पे। इट मीन्स अ बॉडी रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट अंटिल एंड अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू इट। और जो सेकेंड लॉ है वो क्या बोलता है, सेकेंड लॉ न्यूटन का बोलता है द चेंज इन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब इस स्टेटमेंट को आप लोग समझिए, जो भी चेंज हो रहा है मोशन में एक ऑब्जेक्ट का, अब मोशन में चेंज हो रहा है ऑब्जेक्ट का मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मोमेंटम। ऑब्वियस बात है, ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो रहा मतलब मास होगा और वेलोसिटी भी होगा। तो मैं बोल सकता हूँ जो फोर्स होगा वो क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, ये होगा मास इनटू वेलोसिटी। अब मैंने जैसे पहले बताया था एक यूवी रूल होता है डिफरेंशिएशन का, सो वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू यू को अगर एम मान ले और वी को वी मान लेते हैं, एम को वैसा का वैसा रखा डिफरेंशिएशन ऑफ वी प्लस वी को वैसा वैसा का वैसा रखा और डिफरेंशिएशन ऑफ एम। अब सबको पता है एम एक कांस्टेंट होता है, तो ये टर्म तो हो गया जीरो और बचा क्या, एफ इज इक्वल्स टू एम डी वी बाई डी टी, ये टर्म बचा। अब डी वी बाई डी टी का वैल्यू क्या होता है, चेंज इन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज वॉट, इट्स एक्सेलरेशन। सो वी गेट एफ इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ये सेकेंड लॉ हो जाएगा आपका, ठीक है। अब थर्ड लॉ देखते हैं हम लोग, थर्ड लॉ क्या होता है। तो थर्ड लॉ बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर पे होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर पे होता है थर्ड लॉ। इट मीन्स अ बॉडी, सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग ये बोल सकते हैं, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ में क्या होता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये होता है थर्ड लॉ। अब एक बात सोचने का, क्या ये अलग अलग बॉडीज पे होता है, हाँ थर्ड लॉ हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है। दूसरी बात, क्या यह एक ही मैग्नीट्यूड का होता है, यस ये सेम मैग्नीट्यूड का होता है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होता है, सेम मैग्नीट्यूड एंड डिफरेंट डायरेक्शन। और जो नेचर ऑफ फोर्स होता है वो सेम होता है, नेचर ऑफ फोर्स सेम होता है हमेशा, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मेरे पास एक बॉडी है जिसका मास 2 केजी है और इस बॉडी का वेलोसिटी है 8 टी आई कैप माइनस 6 टी जे कैप प्लस 20 के कैप मीटर पर सेकंड, और मुझे बोला गया है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मुझे बोला गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। सो एक्सेलरेशन नेट फोर्स क्या होता है हमारा,
जो फोर्स नेट होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। इट मींस एक्सेलरेशन तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ बाई एम, ये हो जाएगा। अब हमें पता रहना चाहिए क्या, हमें पता रहना चाहिए फोर्स और मास। मास तो गिवन है लेकिन ए नहीं गिवन है, तो ए कहाँ से आएगा? सो जो एक्सेलरेशन का वैल्यू है, वो होता है डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी होता है मतलब डी बाई डी टी ऑफ वी, वी क्या है 80 आई कैप माइनस 60 जे कैप प्लस 20 के कैप। इसका मतलब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग वेलोसिटी को एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो ए का जो वैल्यू हो जाएगा, 80 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 8 आई कैप माइनस 60 का डिफरेंशिएशन 6 और 20 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब बहुत इजी है, नेट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज व्हाट 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है सो आई और जे के ही टर्म्स में आंसर आएगा। तो एफ इज इक्वल टू 8 16 माइनस 2 6 12 जे कैप न्यूटन। आई होप यू गॉट इट। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्री बॉडी डायग्राम। सो पहले जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है। सो नेचर में बहुत सारे चीज़ देखते हैं हम लोग रोज, तो क्या उन चीज़ों के पास भी अपना एक वेट है, आई मीन टू से वेट बोल दिया सॉरी मैंने, अपना एक फोर्स है। हाँ, सबके पास एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, ठीक है। तो जितना भी डायग्राम, एक डायग्राम होता है अ टाइप ऑफ डायग्राम, डायग्राम विच इंक्लूड्स every force is known as free body diagram। इसका मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए एक बॉडी है मास m का, सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा। एक तो इसका खुद का वेट लगेगा, और वेट क्या होता है मास इंटू ग्रेविटेशन, वेट लगा। अब इस सरफेस की वजह से इस पे भी तो कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा ना, इस सरफेस की वजह से, तो उस प्रेशर को जो ऊपर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोर्स n, जो कि होगा नॉर्मल फोर्स, ठीक है। अब ऐसे ही मान लीजिए हमारे पास दो ब्लॉक है, एक का मास है mb और एक का मास है ma, और ये दोनों ब्लॉक सरफेस पे रखे गए। अब बताइए इस पर कौन कौन सा फोर्स है। सो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें अलग अलग ब्लॉक्स है, तो हम लोग कुछ नहीं अलग अलग fbd बनाते हैं। तो पहले मैं B मतलब मास B वाले के लिए बनाऊंगा, तो B वाले पे A की वजह से एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा और एक क्या लगेगा नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा, ठीक है। अब मैं अगर A वाले के लिए बनाऊं, A वाले के लिए ध्यान रखिएगा, एक B की वजह से भी तो प्रेशर लग रहा है, वो प्रेशर क्या है कुछ नहीं, वो प्रेशर नॉर्मल है, और एक प्रेशर सरफेस की वजह से लग रहा है वो नॉर्मल और नीचे की तरफ वेट लग रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्री बॉडी डायग्राम में कंपोनेंट्स का, ये क्या होता है मैं बताता हूं। कभी भी कोई भी डायग्राम में, कोई भी क्वेश्चन में एंगल का बात किया हुआ, एंगल तो उस वो एंगल दो चीज में स्प्लिट होता है, दो पार्ट में, एक पार्ट होता है अलोंग द डायरेक्शन और एक पार्ट होता है अवे फ्रॉम द डायरेक्शन। और डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन एंगल का, जो भी डायरेक्शन है उसका। अब जब भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ थीटा है वो हमेशा उस कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं कॉस थीटा, और हमेशा अवे वाले कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। समझ में आया बात, ठीक है। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, मान लो एक इंक्लाइंड है, एंगल थीटा दिया हुआ है और एक स्पेयर है उस इंक्लाइंड पे। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा, पहली बात इसका अगर मैं एक्सटेंशन करूँ, ऐसे एक्सटेंशन करता हूँ मैं इसका, तो जब मैं एक्सटेंशन करूँगा तो ये एंगल भी थीटा मिल जाएगा मुझे एक्सटेंशन करने के बाद, ठीक है। तो एक तो मुझे पता है यहां पे इसका ये क्या हो जाएगा, ये यहां पे इंक्लाइन की वजह से नॉर्मल लगेगा,
राइट, ये नॉर्मल लगेगा। मान लो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ये भी क्या होगा थीटा। अब जो मैंने बताया है आप लोगों को अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द डायरेक्शन का मतलब होगा ये जो नीचे है अलोंग द डायरेक्शन, ये हमेशा होगा एम जी कॉस थीटा, और अवे फ्रॉम द डायरेक्शन मतलब ये जो डायरेक्शन होगा वो होगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये नॉर्मल, ये एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन थीटा, समझ में बात। ओके, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स आता है सॉल्व करने के लिए, उस फोर्स का नाम है टेंशन फोर्स। ये होता क्या है, मान लीजिए कोई स्ट्रिंग अटैच है कोई भी मास से, तो स्ट्रिंग कभी पुश नहीं करता है, मतलब क्या स्ट्रिंग कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ढीला हो जाएगा, स्ट्रिंग हमेशा पुल करेगा, पुल मतलब जो पुलिंग फोर्स है स्ट्रिंग का, पुलिंग फोर्स ऑफ स्ट्रिंग उसको बोलते हैं, वो होता है टेंशन। और हमेशा जो डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होता है उस फोर्स का डायरेक्शन, मतलब ये बॉडी है तो यहाँ पे लगेगा टेंशन टी। ठीक है, समझ में बात। अब क्वेश्चंस दो तरह से सॉल्व होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को यूज करके, एक तो होता है फोर्स कंजर्वेशन का मतलब होता है या तो मैं एक्स डायरेक्शन में फोर्स को कंजर्व कर लूँ या तो वाई डायरेक्शन में। दूसरा होता है फॉर्मूला यूज करके जो कि होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। पहला हम लोग देखते हैं फोर्स कंजर्वेशन क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फोर्स कंजर्वेशन यूज करके। मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसे टाई किया हुआ है स्ट्रिंग से मास एम का। अब मुझे फाइंड करना है इसका टेंशन क्या है। सिंपल सा बात है, इस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मैंने अभी बताया ऑब्जेक्ट के से दूर लगता है टी टेंशन और नीचे लग रहा है वेट। सिंपल सा बात है, फोर्स कंजर्व कर दूंगा मैं मतलब टी इज इक्वल टू एम इंटू जी, सो टेंशन का फोर्स, टेंशन का वैल्यू क्या हो जाएगा एम जी। फाइन, अब दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में गिवन है एक इंक्लाइंड है एंगल थीटा पे, मास है एम और मुझे फाइंड करना है टेंशन कितना होगा इस पर। तो मैंने अभी बताया था दो कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट तो यहाँ पे लग जाएगा, क्या होगा कंपोनेंट, वो होगा एम जी साइन थीटा, वेरी गुड। और दूसरा कंपोनेंट लग जाएगा यहाँ पे एम जी कॉस थीटा, और एक इस इंक्लाइन के वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा एन, और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है क्या टी। अब फोर्स कंजर्वेशन लगा देंगे नॉर्मल हम लोग तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा, फोर्स कंजर्वेशन लगाते तो क्या हो जाएगा टी इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। और कुछ है ये तो एक्स डायरेक्शन में हो गया फोर्स कंजर्वेशन, और अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स कंजर्वेशन लगाते तो क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करता है, मान लो एक सरफेस है इस पे मुझे मास दिया गया है 2 kg का और एक मास दिया गया है मुझे कितना 1 kg का। इस 1 kg वाले मास पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड 20 N और इस 2 kg वाले मास पे इधर फोर्स लग रहा है 50 N। मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन कितना है और फाइंड करना है रिटार्डेशन दैट इज नॉर्मल रिटार्डेशन बिटवीन ब्लॉक्स। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक फोर्स इधर है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, वेक्टर का रूल है, सो 50 माइनस 20 हो जाएगा हमारा नेट फोर्स, क्योंकि 50 उधर और 20 इधर तो एफ नेट का वैल्यू हो जाएगा हमारा 50 माइनस 20 इज 30 N राइट। अब एक्सलेशन फाइंड करना है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास, टोटल मास कितना है 2 × 1 = 3 इंटू एक्सलेशन 3 × 10 times, सो एक्सलेशन का वैल्यू कितना हो गया A इज इक्वल टू 10 m/s².
बहुत इजी है, कभी भी टफ नहीं समझना फिजिक्स को, वरना बहुत मुश्किल। अब एक्सेलरेशन निकल गया हमारे पास, अब फाइंड करना नॉर्मल रिटार्डेशन ब्लॉक। सिंपल सा बात है, ब्लॉक को एक 2 kg का ब्लॉक ले लेता हूँ मैं। हम लोग फिगर में देख सकते हैं फोर्स इस साइड ज़्यादा, मतलब इधर एक्सेलरेट करेगा ये ब्लॉक, इधर एक्सेलरेट कर रहा है कितना सर, 10 मीटर पर सेकेंड पर से, और एक फोर्स है इधर इस पर 50 का लग रहा हुआ है। अब उस ब्लॉक की वजह से इस पर नॉर्मल किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब एक कंसेप्ट हमेशा याद रखना है, जिस साइड एक्सेलरेशन लिया जाता है उस साइड से इक्वेशन फॉर्म होता है, उसी साइड को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और उसके अपोजिट साइड को हम लोग नेगेटिव मानते हैं। सो इस साइड नेट फोर्स इधर कितना है, 50 इज इक्वल टू, और इधर माइनस एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहां से मुझे नॉर्मल रिटार्डेशन फोर्स मिल जाएगा कितना, 30 न्यूटन का। ओके, तो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन कैसे यूज करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन गिवन है, मेरे पास एक पुली है और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, कोई मास नहीं है, और ये एक मास है m, ये एक मास है स्मॉल m, मुझे फाइंड करना है एक्सेलरेशन लोकम। सो सिंपल से बात है, पहले मैं FVD बनाऊंगा। FVD बहुत इजी है इसका, नीचे लगेगा यहाँ पे वेट इसका, और इसका वेट लगेगा यहाँ पे, इसका अवे लगेगा एक टेंशन T, इसका अवे लगेगा एक टेंशन T। सबसे इनिशियल स्टेज में मैं क्या करता हूँ, मैं फोर्स को कंजर्व करता हूँ, फोर्स कंजर्व करता हूँ मैं इनिशियल स्टेज पे। अब फोर्स कंजर्व कर रहा हूँ मैं, फोर्स कंजर्व कर रहा हूँ मतलब नेट। अब फोर्स कंजर्व करने के पहले मुझे पता करना पड़ेगा डायरेक्शन। अब बहुत बच्चे बोलेंगे मैंने एक ही टेंशन क्यों लिखा, क्योंकि स्ट्रिंग तो सेम है, तो स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी सेम लगेगा। अब मैं देख सकता हूँ फिगर में ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, मतलब इसका तो एक्सेलरेशन इधर होगा लेकिन इसका एक्सेलरेशन इधर होगा, ठीक है। और मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है, सो फोर्स कंजर्व कर रहा हूँ मैं, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ, नेट फोर्स एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन में हमेशा लेते हैं, तो इधर का मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी माइनस टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन। और अगर मैं दूसरा इक्वेशन लिखता हूँ तो हमेशा इस डायरेक्शन में लिखता है एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इधर प्लस का टी है, पॉजिटिव टी, और इधर क्या है माइनस एम जी है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये दूसरा इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन दो अननोन है, दो इक्वेशन है, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूँ तो ये हो गया कैंसिल, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ m माइनस m इंटू जी कॉमन इज इक्वल्स टू m प्लस m इंटू a। सो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन को जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा m माइनस m इंटू जी डिवाइडेड बाई m प्लस m। और इस एक्सेलरेशन का वैल्यू को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरे पास जो टेंशन का वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, वो आएगा टी इज इक्वल्स टू एम इंटू ये वाला वैल्यू एम माइनस एम इंटू जी डिवाइडेड बाई एम प्लस एम जी। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये होगा टेंशन का वैल्यू। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर इंटरएक्टिव क्लासेस यू कैन लॉग ऑन टू www.angstromedu.in and unlock your grades. Thank you.